सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 5G, M51 4G वाला वेरिएंट नहीं है, M51 5G जो कि अभी फैब में लॉन्च होगा। अभी हुआ नहीं है लॉन्च, होगा फैब में। लॉन्च की डेट है, लॉन्च इवेंट जो होगा वो होगा इसका 16 फैब का। एंड मतलब प्राइस रेंज है वो है 37,000। प्राइस रेंज से आते सुटेबल है या मतलब जो इसका प्राइस रेंज है वो इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ कुछ ज़्यादा ही है या मतलब प्राइस ठीक है, स्पेसिफिकेशन ठीक है, क्या आपको लेना चाहिए। इस वीडियो में पूरी वीडियो में इसी की चीज़ें की बात होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। 51 में उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी है, उन्होंने अपना ही प्रोसेसर डाला है, एक्सिनोस 9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर डाला है। अच्छा करा है उन्होंने, जो एक्सिनोस की जो फेलियर था उससे मतलब कुछ इन्होंने डेवलपमेंट करके एक्सिनोस का जो पिछली फोन में फेलियर आया था, क्या पता इस बार भी आए, कुछ पता नहीं क्योंकि यूज़ करेंगे तो ही पता लगेगा। बाकी एक्सिनोस डाला है, अपना प्रोसेसर डाला है तो इस बार कुछ सोच समझ के डाला होगा। एंड बेस्ट एक्सिनोस 9 जो है वो काफ़ी बेस्ट है, आपको 855 को टक्कर दे देगा, वो इजीली टक्कर दे देगा क्योंकि 5G सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब बेस्ट होगा और आपको 38,000 रुपये का फोन मिलेगा। तो स्पेक तो आप अच्छा ही होगा ना। 6GB रैम में आपको मिलेगा, ये क्वालिटो कैमरा सेटअप है, 48-12 5-5 डेप्थ एंड वाइल्ड एंगल के लिए 5-5 जो होते हैं, और बाकी 48 आपको पता ही है आपकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, फेस को काला गुस्से गोरा करने के लिए। 6 MP फ्रंट कैमरा होगा एंड 4500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी फास्ट चार्जिंग के साथ। बाकी डुअल सिम अवेलेबल है, 5G सपोर्ट है। मतलब बात करते हैं सूटेबल है कि नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं इसकी जो मतलब स्पेसिफिकेशन है। पहली बात, इन्होंने अपना प्रोसेसर यूज़ करा है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। 6GB रैम है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी एंड जो स्क्रीन का रेशो है वो बताना भूल गया था मैं। स्क्रीन का जो रेशो होगा वो होगा 6.5 inches का, मतलब 6.5 inches नॉर्मल सी स्क्रीन है, कुछ ज़्यादा बड़ी कोई ज़्यादा छोटी नहीं। सुपर एमोलेड है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं फ़ोन में। बात करते हैं इसके प्राइस का, तो मुझे अभी भी इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अगर अंडर 30,000 होता या मतलब 35,000 तक का भी होता तो एक तरह से ठीक है फ़ोन, बाकी तो यूज़ करने के बाद पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं देखा जाए ध्यान से तो अभी भी सैमसंग के और भी बेस्ट फ़ोन हैं जो कि इससे को कम्पीट कर देंगे इससे कम प्राइस में, तो आप उस पर शिफ्ट हो। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है न्यू फ़ोन को टेस्ट करना है, न्यू फ़ोन को चलाना, अगर आप सैमसंग के मतलब फ़ैन हैं लेने फ़ोन के, सैमसंग के फ़ोन्स के, तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। इतना भी ख़राब फ़ोन नहीं है क्योंकि इसका प्रोसेसर इसमें अपना डाला है, इस बार एक्सिनोस डाला है तो कुछ भी हो सकता है इसका पता नहीं। बाकी एक तरह से देखा जाए तो मुझे अभी भी इसका प्राइस ज़्यादा लगा अकॉर्डिंग टू दिस फोन एंड स्पेसिफिकेशन टू। सो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।